हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आ गई हूँ कॉटन सिल्क साड़ी को ड्रैप करने की कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनकी हेल्प से आप अपनी कमर की, शोल्डर की और हिप की प्लीट्स बहुत ही ईजिली से बना सकती हैं, जिससे आपका लुक स्लिम के साथ साथ टॉल भी नज़र आएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया है। मेरा जो फुटवेयर है वो हील वाला है, इसलिए पहले ही वेयर कर ली हूँ ताकि साड़ी बांधने के बाद ऊंची नीची ना हो जाए। पेटीकोट जो वेयर किया, ये फिश कट स्टाइल सेफ वेयर पेटीकोट है, इसमें डोरी भी मिल जाएगी तो आपकी साड़ी को इजली से होल्ड कर लेगी। एंड अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे और जो साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, पहले आपको इसे पकड़ना है और रखना है अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पर जाना है। बाय द वे, अगर आपको साड़ी परचेज करनी है, परचेज डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, साड़ी का जो आखिरी सिरा, इसे लेना है और आखिरी सिरे को रखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ये देखिए, जो नेवल है ना, इसके चार अंगुल राइट से आपको स्टार्ट करनी है और सामने के पार्ट को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। ऊपर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसको कमर में टकिंग करना है। तो देखिए, इस तरह से मैं टक कर रही हूँ। फैब्रिक आपका अच्छे से इंसर्ट होना चाहिए ताकि सामने फंसकर टमी फूली फूली ना दिखे, इसलिए फिंगर के इस्तेमाल से पूरा अच्छे से अंदर तक फैब्रिक को इंसर्ट कर ले। सामने का पार्ट टक हो जाने के बाद साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेंगे। एंड यहाँ राइट साइड में जब हम आते हैं तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को सेट करते हुए सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना है। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो कम्प्लीट हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे, सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो सकती है। सो यहाँ पर देखिए, जो हमारी साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, इसे हमें पकड़ना है और बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर जो पल्लू का दूसरा कॉर्नर दिख रहा है, इसे इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। पल्लू सामने की तरफ आ चुका है, आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए लेफ्ट से उठा रही हूँ, इसलिए राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टकिंग किया ताकि प्लीट्स बनाने में आसानी हो। और देखिए, जब प्लीट उठाएंगे तो हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़कर स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है। सामने की टू फिंगर को कैची की तरह करते इसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम प्लीट उठाएंगे। पहली प्लीट आपकी सभी प्लीट से हाफ इंच चौड़ी होगी एंड इसके अकॉर्डिंग बाकी की प्लीट हम पतली बनाएंगे। जब हम प्लीट बनाते हुए ख़त्म करते हैं ना, जो अंदर की प्लीट होती है, कभी भी उसका डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि वो राइट की तरफ हो। तो यहाँ पर देखिए, लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन इस तरह से, मैं थोड़ी पतली प्लीट बन रही है बट इसके डायरेक्शन को राइट की तरफ कर ली हूँ। अब प्लीट बन जाने के बाद ऊपर से इस तरह से इक्वल कर लेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, हमारी प्लीट बन चुकी है, लेफ्ट हैंड में अच्छे से पकड़ लेना है और थोड़ी सी दूरी पे देखिए, मैं साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज कर रही हूँ। क्योंकि ये जो प्लीट होती है ना, इंडिया में बैठाना होता है, तो बैठाने से पहले इन प्लीट को हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे। ऊपर की तरफ मैंने सेफ्टी पिन नहीं लगाया था, मैं थोड़ा नीचे लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर टेसल्स लगी हुई थी तो सेफ्टी पिन लगाने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिक्योर कर लूँगी। एंड यहाँ पर देखिए, हमारी प्लीट बन चुकी है, अच्छे से सिक्योर हो गई है। अब अगर हमारी प्लीट छूट भी जाए तो हमें दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, टसल्स को अच्छे से निकाल लेंगे। एंड देखिए, लेफ्ट हैंड में इस तरह से प्लीट को पकड़ लेना है। अब फैब्रिक को आगे लाना है थोड़ा सा, देखिए इस तरह से लेफ्ट हैंड में प्लीट को पकड़ते हुए झटकना है और साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को देखिए पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो शोल्डर की प्लीट होती है ना, आपको एक बार में सेट नहीं करनी होती, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको अरेंज करना होता है, फिर आपको इसे बैठाना होता है। तो देखिए, इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया, इसे बैठाने के लिए हम रब करेंगे। तो थाई पर या टमी के सामने रखते हुए रब कर ले ताकि जो प्लीट की फैब्रिक अच्छे से बैठ जाए। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए देखिए, लेफ्ट हैंड से प्लीट को मैं पकड़ी हुई हूँ एंड अगेन फैब्रिक को आगे लाया है, फिर से साइड से वन बाई वन एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें सेट करना होता है, ऐसे हमारी जो शोल्डर की प्लीट है ना, एक ही बार में परफेक्टली सेट हो जाती है। देखिए, इतना पोर्शन अगेन सेट हो गया, इसे बैठाने के लिए इस तरह से हैंड से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। एंड लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे। सो यहाँ पर देखिए, मैं घुटने से नीचे रख रही हूँ क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है वो टॉल नज़र आता है। अब सामने की तरफ टमी तक आपको प्लीट को सेट कर लेना होता है ताकि सेफ्टी पिन लगाने के बाद पल्लू सेट करने में या फिर प्लीट को अच्छे से बैठाने में प्रॉब्लम ना आए। अब सेफ्टी पिन लेनी है एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करना है। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे एक या दो इंच बैक में जाएंगे। पल्लू के प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन आपको ब्लाउज के अंदर से लगानी है, जब उसकी नोक बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूर पर अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक करते हैं। सो इस तरह से पल्लू सिक्योर हो गया है। अब आप सामने की तरफ आएंगे एंड पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर है, इसको अपने चेस्ट पर सेट करना है।
तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रॉस में रखते हुए सेट करते हैं। पल्लू वाला पोर्शन देखिए बैक से घूमते हुए लेफ्ट की तरफ आया, और जो पल्लू की प्लीटें ना इन्हें हमें बैठाना है, तो इस तरह से वन बाय वन एक एक प्लीट को हम यहाँ पर बैठाएंगे। इस तरह से सभी प्लीट्स उभर के नज़र आए आपको सेट कर लेना है, और कोई प्लीट इस तरह से दबी होती है ना तो पहले ही पता चल जाती है, या फिर कोई प्लीट छूटी हो तो इसलिए पहले अच्छे से ठीक कर ले, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे हम लेफ्ट की तरफ खींचते हुए अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो प्लीटें हैं ना वो एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी हैं, एक एक प्लीट्स उभर के नज़र आ रही हैं। अब जो पल्लू वाला पोर्शन हमारा हिप पे आ रहा है ना, इसको सेट करना है। तो इस तरह से देखिए हिप पे सेट करते हुए आपको राइट वाले पैर तक लेकर आना है। यहाँ पर बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लेना है, टाइटली से राइट की तरफ खींचना है, और थोड़ा सा फैब्रिक देखिए राइट हैंड से पकड़ के राइट की तरफ खींचते हुए इस तरह से पतली पतली प्लीटें बनाएंगे। तो 2, 3, 4, इससे ज़्यादा मैं प्लीट्स बहुत नहीं बनाती हूँ। अगर आप 5 बना रही हैं तो पतली पतली बनाइए जैसे कि मैंने बनाया, और राइट की तरफ खींचते हुए देखिए थंब को पेटीकोट के अंदर इंसर्ट करते हुए फैब्रिक को पकड़ लेना है। एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है, सेफ्टी पिन में मैंने प्लास्टिक अटैच किया था ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे। एंड पेटीकोट को लेते हुए हम जिगजैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे जैसे कि स्टिचिंग कर रहे हो। ऐसा करने से साड़ी भी डैमेज नहीं होती और हमारा हिप का जो पोर्शन है वो भी सिक्योर हो जाता है। हिप पे जो प्लीटें आई है ना इन्हें वन बाय वन अरेंज करेंगे, क्योंकि कॉटन की साड़ियों की जो प्लीटें होती है ना अगर आपने एक बार इन्हें अच्छे से बैठा ली तो ये तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक आप अपनी साड़ी को खोलती नहीं है। यहाँ पर देखिए हिप वाला पोर्शन बन चुका है। अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तरीका सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उठा रही हूँ। अंदर से देखिए सबसे पहले आपको फैब्रिक छोड़ना होता है, इस तरह से आप मेज़र कर सकती हैं, या फिर आप एक प्लीट का फैब्रिक छोड़कर प्लीट बनाना शुरू कर सकती हैं। तो स्मॉल फिंगर थंब से फैब्रिक को पकड़ते हुए सामने की 2 फिंगर को कैची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाई वन प्लीट बनाएंगे। सो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लीट बना सकती हैं, बट आपकी साड़ी कॉटन की होगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल साड़ी की अकॉर्डिंग हल्की सी आप चौड़ी प्लीट बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर साइड की जब आप प्लीट बनाएंगी तो देखिए 4 अंगुल नेवर से आगे जाएंगी, तो इतना फैब्रिक छोड़कर हम राइट से प्लीट उठाते ना तो उतना फैब्रिक हमें छोड़ देना है। और ये देखिए प्लीटें जो बन गई इनको अच्छे से झटकना है, ऊपर साइड से हम अरेंज करेंगे। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग रखते हुए हम प्लेट्स को अरेंज करते हैं। इस तरह से अरेंज करने से हमारी सभी प्लेट्स उभर के नज़र आती है और नीचे से इवन फॉल साइड नहीं रहती है। टमी के सामने रखते हुए सभी प्लेट को पकड़ लिया, केवल पहली प्लेट को खोला है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको लेते हुए हम पहली प्लेट को चौड़ी करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी पहली प्लेट चौड़ी हो गई है, काफ़ी अच्छे से सेट रहेगी, और राइट साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो गया है। अंदर से एक एक प्लेट को पकड़ते हुए झटक लिया है, और यहाँ पर देखिए हमारी प्लेट बन चुकी है। अब हम नेवल के सामने रखते हुए मेजर करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम प्लीट को अरेंज करते हैं, तो साइड से वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ना है, एंड नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लीट को हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। अब टक करते वक्त देखिए आपको प्लीट को तब तक नहीं छोड़ना जब तक फैब्रिक अंदर तक ना चली जाए। अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई तो हल्का हल्का स्प्रेड कर ले, इसी को कहते हैं 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग। अब एक एक प्लीट को अरेंज करना है और यहाँ पर सिक्योर करना है। सिक्योर करना ऑप्शनल है, अगर आपको पूरे दिन के साड़ी को वेयर करना है तो सिक्योर ज़रूर करें ताकि आपकी प्लीट्स बिल्कुल भी खुलने की डर ना हो। और जो हिप पे प्लीटें हैं इन्हें एक बार अच्छे से ठीक करके हैंड से प्रेस कर दें ताकि ये बाकी जो हमारी कमर की प्लीट है उनके साथ अच्छे से सेट हो सके। अब देखिए जो राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत पार्ट ओपन रह जाता है इसको आपको यहीं पर टकिंग करना है। सामने की प्लेट को दबाए रखिएगा ताकि वो इधर उधर ना हो जाए, राइट साइड का पार्ट पल्लू से कवर हो जाएगा। पल्लू की प्लेट को एक बार अच्छे से ठीक कर लेना है, एंड इसके बाद से जो एक्स्ट्रा की हमने सेफ्टी पिन लगा रखी है इसे हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद से हमारा जो फाइनल लुक है ना वो यहाँ पर आप देख सकती हैं। सो इस तरह से आप अपनी कॉटन सिल्क साड़ी को ईजिली एंड परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।